तीसरे नंबर ध्यान दो और उसके प्राइम फैक्टर जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। अब मैंने नहीं बताने, आप लोगों ने बताने हैं मुझे। दो में मैंने हेल्प किया, तीसरे में मैं हेल्प नहीं करने वाली हूँ। अब 748 के प्राइम फैक्टर्स, अब मैंने हेल्प नहीं करनी है, आंसर आप लोगों ने ही देना है मुझे, मैंने कुछ नहीं बताना। अब डन, गुड। एक मिनट वेट करते हैं, जरा बाकी भी कर लें, फिर हम पूछते हैं आपसे भी प्राइम्स। बाकियों को सोच लेने देते हैं एक मिनट, ठीक है बेटा? हाँ, अभी एक मिनट मैं भी पूछती हूँ आपसे। पहला प्राइम तो यहाँ सामने से नजर आ रहा है, कौन सा? हाँ, टू। एट है लास्ट में, अगर लास्ट में एट है तो नंबर टू से डिविजिबल है ही। टू से डिवाइड करके क्या रहा है? 37 37 कैसे आ सकता है बेटा? 74 748 को टू से डिवाइड करोगे, टू थ्री जा सिक्स, टू सेवन जा फोर्टी, 370 फोर जा एट, तो क्या आएगा? मैम 374 374। अगला प्राइम भी नजर आ रहा है मुझे अब, करो जी, क्या आएगा टू से डिवाइड करके? 187 187। टू वन जा टू, वन इज दी कैरी 17, टू एट जा 16, वन इज दी कैरी टू, सेवन जा 14, सो 187। अब अगला प्राइम ढूंढने के लिए फिर मेहनत। फाइव से डिविजिबल नहीं है, सेवन से डिविजिबल होने के लिए, सेवन का डबल, लास्ट डिजिट सेवन थी, 7 2 14, 18 में से 14 माइनस कर दूं, 4 आ गया, नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट है इलेवन, बिल्कुल इलेवन से डिविजिबल है। देखो 1 प्लस 7 8, 8 माइनस 8 0, जब डिफरेंस 0 होता है या 11 का मल्टीपल होता है तो आपका नंबर 11 से मल्टीपल, 11 का मल्टीपल हो जाता है। क्या आएगा? 11 वन जा 11, 8 माइनस 1 7, सो 77 हो गया, 11 7 जा 77, 17 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन हियर इज 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17। अब एग्जैक्टली तो आपका HCF है वो आ गया है 17, क्योंकि HCF के लिए जो फैक्टर तीनों में पड़ा रहता है सिर्फ वही देखना होता है। ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन ऑल इज टू बी टेकन एंड दैट हियर इज 17। इसका मतलब मैं इन प्लाज को यूज करके 17 बुके बना सकती हूं। इज दिस ओके? क्योंकि एक हफ्ते होंगे, जितने रोजेस एक में उतने ही दूसरे में, उतने ही तीसरे में, ऐसे ही जितने ग्लैडियोल्स एक में हैं, जितने मेरीगोल्ड्स एक में, वही सारे के सारे 17 के 17 बुकेज में वो फ्लावर्स आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ क्या था? मेरा क्वेश्चन था नंबर ऑफ मेरीगोल्ड्स दैट विल बी देयर इन ईच बुके। सारा बुके बन रहे हैं, अब हर बुके में कितने मेरीगोल्ड्स होंगे ये कैसे बताओगे? फाइव। एक बात तुम्हें समझ में आती है, जब मैंने कहा 17, इसका मतलब 748 को 17 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यही मतलब हुआ। पहले ये बात बताओ, ये 17 बुके बनेंगे, ये बात किसको समझ में आ रही है? हाँ जी, ये रोजेस थे, मुझे क्या बनाने हैं? आइडेंटिकल बुकेज। आइडेंटिकल बुकेज में हर बुके में सेम नंबर ऑफ, नॉट सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स, एक बुके में मान लो अगर 5 रोजेस हैं तो दूसरे में भी 5 होंगे, तीसरे में भी 5 होंगे, पांचवे में भी 5 होंगे, ऐसे सब में 5 5।
ऐसे ही जितने मैरीगोल्ड्स एक बुके में है वो सब में सेम, जितने ग्लाडियोल्स एक में है सब में सेम, ऐसे हमने देखा तो टोटल बुके बन सकते हैं 17. नाउ द क्वेश्चन इज हर बुके में कितने कितने फ्लावर्स कौन से होंगे ये बताना है, तो क्या करूं? एनी वन हु कैन थिंक ऑफ, डिवाइड किससे किसको डिवाइड? बच्चों तुम्हें इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि इन सबको हम 17 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तभी तो बराबर बराबर के उठा के 17 बुकेज में डालूंगी, नहीं? मान लो मेरे पास पांच चीजें हैं, आई हैव से 15 थिंग्स, ठीक है, मेरे पास 15 चीजें हैं और मैं कहूं कि मैंने उसको इक्वली डिवाइड करना है, 44 विल बी द आंसर. यहां पर देखो कितने मैरीगोल्ड्स थे, 748. इनको 17 इक्वल हिस्सों में बांटना है, मतलब मैंने क्या करना है, 748 को 17 से डिवाइड करूंगी, तो ये जो बचा हुआ यही मेरा आंसर होगा. 2 to the 4 into 11, 44. सो नंबर ऑफ मैरीगोल्ड्स इन ईच बुके इज गोइंग टू बी 44. ऐसे ही ग्लैडियोल्स कितने होंगे, 19 into 2, 38 ग्लैडियोल्स एंड 31 रोजेस. तो क्या हुआ यहां पर, टोटल बुकेज कितने हैं, 17. मैरीगोल्ड्स इन ईच बुके इज 44, रोजेस इन ईच बुके 31, एंड ग्लाडियोल्स इन ईच बुके 38. एक बुके में 44 मैरीगोल्ड्स, 31 रोजेस एंड 38 ग्लाडियोल्स होंगे, और ऐसे टोटल कितने बुके बनेंगे, 17. एक मिनट लगा करके क्वेश्चन को दोबारा सोचो और जहां जहां दिक्कत है वो पूछो. ध्यान से सोचना समझना फिर मुझे बताना कि कहां पर दिक्कत है, जो दिक्कत है वो मुझसे आप पूछेंगे. सिक्स एफ से कोई कुछ बोल रहा है तो माइक के पास आके बोलो, मुझे नहीं सुन रहा है. एनी वन हु वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग विच इज नॉट क्लियर प्लीज कम नियर द माइक फ्रॉम एनी क्लास एंड देन आस्क. सबको समझ में आ गया अब? हाँ जी, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देती हूं क्या है मेरे पास. मेरे पास ये टोटल फ्लावर्स थे, मुझसे कहा गया इन सबको मिला करके मैंने आइडेंटिकल एक जैसे बुकेज बनाने हैं, और कंडीशन है हर तरह के फ्लावर्स हर बुके में सेम नंबर का जाना चाहिए. ऐसे नहीं है कि एक में 10 डाल दिए तो दूसरे में 20 रोजेस डाल दिए, ऐसे नहीं कर सकते. जितने रोजेस एक बुके में डाल रहे हो उतने ही दूसरे में, उतने ही तीसरे में, उसी एक एक ही पैटर्न पे आपको चलना है, आप पैटर्न को बदल नहीं सकते हो. तो सबसे पहले कितने बुके बनेंगे इक्वल डिविजन करके, उसके लिए हमें मालूम है एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका होगा, उसके हिसाब से हमने देखा 17 बुके बनेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी रोजेस ग्लाडियोल्स और मैरीगोल्ड्स पड़े हैं उनको 17 से डिवाइड करके कितने कितने मेरे पास आ रहे हैं वो मैंने बता देना. 17 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सबको, हर पार्ट में कितने कितने जाएंगे वो हमने निकाल दिए. मैरीगोल्ड जाएंगे 44, रोजेस जाएंगे 31, एंड ग्लैडियोल्स विल बी 38 नंबर्स. समझ में आ गया बात कुछ के नहीं? यस यस. चलिए जी, केस स्टडी पढ़िए, देखें जरा क्या समझ में आया. Ramesh has a room in his house whose length, breadth and height is 5 meter, 60 centimeter, 2 meter, 40 centimeter, 3 meter, 50 centimeter. He wants to renovate his room and want to fix square tiles on the floor, paint the walls, etc. etc. Room ko usne apne
रिनोवेट करना है, क्या कह रहा है, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगाना है, पेंट करना है, ये वो बहुत कुछ काम करवाना है उसने। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी फिक्स्ड ऑन द फ्लोर सो दैट द टाइल्स नीड नॉट टू बी कट टू फिट द फ्लोर। पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास रूम है, रूम का फ्लोर है, और फ्लोर की जो डायमेंशन है वो कितनी कितनी दे रखी है मुझे, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसमें मैंने टाइल्स लगानी है 80 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया ना, सॉरी, हमें पूछा गया है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी फिक्स्ड ऑन द फ्लोर सो दैट द टाइल नीड नॉट टू बी कट। इसके ऊपर मुझे स्क्वायर टाइल्स लगानी है, और कैसे लगानी है कि उन्हें काटना ना पड़े, ये पूरी पूरी ऐसे फिट हो जाए, जो भी टाइल की डायमेंशन लो उसे काटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो पूरी ऐसे ही फिट हो जाए, इधर भी पूरी फिट हो जाए और ऐसे भी पूरी की पूरी फिट हो जाए, काटना ना पड़े मुझे कहीं पर भी टाइल को। ये ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहिए मुझे। तो पूछ रहे हैं कि ये टाइल की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, 85, 79 या 90, क्या डायमेंशन की टाइल होनी चाहिए ये बात हमने बतानी है। तो अब क्या करें, सबसे पहले ये सोचो कैसे पता चलाएं कि जो टाइल है उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। पूरा पूरा फिट करना है मैंने, ऐसे भी और ऐसे भी, अलोंग ब्रेड्थ भी और अलोंग लेंथ भी, पूरा फिट करना है मैंने। हाउ कैन आई डू इट, ये जो डायमेंशन है रूम की, इनका, हाँ, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, फिर से सोचो। पहले अगर आपके पास ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 560 सेंटीमीटर, और ये हो गया 240 सेंटीमीटर, इसमें जो तुम टाइल्स लगाओगे वो इन दोनों से छोटे डायमेंशन की कि बड़े डायमेंशन की, बोल दो, छोटी कि बड़ी। जो टाइल आप लगा रहे हो यहां पर, टोटल लेंथ 560 और टोटल ब्रेथ 240, इसके अंदर मैंने टाइल्स फिक्स करनी है, तो ये जो टाइल की डायमेंशन होगी वो इन दोनों नंबर से छोटी डायमेंशन आएगी कि बड़ी भी आ सकती है। क्या छोटी छोटी निकालना है, एलसीएम की एचसीएफ? एमएलसीएम अरे बाबा, एचसीएफ बच्चे एलसीएम मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल गिवन नंबर से बड़े होते हैं, और फैक्टर्स गिवन नंबर से छोटे होते हैं। तो यहां पर क्या निकालूं, एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं? मतलब वो तो अब कह दिया, तो वरना सोचते नहीं हो, ये बात तो समझ में आ गई है मुझे, सोच दिमाग नहीं लगाते, बस चले हुए हैं। तुम्हें इतना आसान तरीका मैंने बताया, तुम्हें कॉमन सेंस सिर्फ लगानी है। अब ये मत बोलो कि कॉमन सेंस भी है नहीं हमारे पास, ऐसा थोड़ा ना, अच्छा भला दिमाग है, भगवान जी ने दिया हुआ, लगाना नहीं, बस खर्चना नहीं हमने उसको। ये सामने से हमें दिख रहा है कि अगर मैं टाइल, आपने वैसे भी अपने रूम में जब आप देखते हो, घरों में आपने टाइल्स लगा रखी हैं, क्या जो टाइल का साइज है वो फ्लोर की साइज से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा ही होता है ना, रूम की साइज छोटा वाला टाइल तो नहीं लगा लोगे। इसका मतलब आपको एक नंबर चाहिए जो इन दोनों से छोटा, और छोटे के लिए हमेशा कहाँ जाना होता है मुझे, सीएफ एचसीएफ पर। निकालो जरा एचसीएफ, देखें क्या निकालते हो। एटी एचसीएफ 86D से वन स्टूडेंट इज टेलिंग मी द एचसीएफ इज 80। इफ इट इज 80 देन आंसर इज ए, 80 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर की टाइल्स मुझे लगानी है। जल्दी से निकाल के देखो बाकी निकला कि नहीं। 240 और 560 का HCF चाहिए, HCF चाहिए। अगर आप डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन वाले से कर रहे हैं, तो सिर्फ कॉमन जो दोनों में पड़ा रहेगा वो हमें देखते चले जाना है।
सबसे पहले कॉमन है टू, 120, 280. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज अगेन टू. नेक्स्ट इज अगेन टू. फिर से टू, 15 एंड 35. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज फाइव. थ्री जा फाइव, सेवन जा. Now nothing is common. 3 and 7, they are co-prime. There is no other prime factor which is common to both except one. So the HCF is 90. 90? Kaise 90 aaya? 2, 2 za 4, 2 za 8, 2 za 16, 16, 5 za 80. Iska matlab every tile has to be of the dimension 80 centimeter by 80 सेंटीमीटर. ठीक है जी. तो जो टाइल्स मुझे फिक्स करनी है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब जरा केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन पढ़ो पहले. थर्ड क्वेश्चन. The mason needs to take measurement of the room for this task. What should be the length of the largest tape that can be used to measure exactly the dimensions of the room? अब अगर उसे dimensions of the room की बात करनी है तो length, breadth और height तीनों measure करनी पड़ेंगी. तीसरी measurement दे रखी है 3 meter 50 centimeter, that is 350 centimeters. अब जो वहां पर मैसन जो मिस्त्री लगा हुआ है उसने मेजरमेंट्स करनी है. ऑब्वियसली मेजरमेंट आपने देखा होगा, कभी आपके घर पे काम हुआ हो कंस्ट्रक्शन का तो वो टेप होती है उनके पास. एक देखी कभी किसी ने? Yes. अब वो टेप की लेंथ वो कह रहे हैं कितने की हो सो दैट एवरी डायमेंशन कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली. मतलब ऐसे नहीं कि हमने एक बार मेजर किया तो ये पूरी की पूरी मेजरमेंट आ गई, अगली बार करें तो कुछ बच जाए उसमें से. ना, बचाना नहीं है, पूरा का पूरा. जैसे मान लो अगर मैं इस मार्कर से इसको मेजर करना चाहूं तो ये 1 मार्कर लेंथ, फिर 2 मार्कर लेंथ, फिर 3 मार्कर लेंथ, फिर 4, ऐसे कंप्लीट जाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए. तो जो मेरी मेजरिंग टेप है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए ये बताना है. क्या निकालूं इन तीनों का? एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं? सोच के बोलना. एलसीएम के एचसीएफ? एचसीएफ. क्योंकि जो मेजरिंग टेप होगी ऑब्वियसली इन तीनों से बड़ी लेंथ की तो नहीं लेने जाएंगे ना. छोटी लेंथ की चाहिए. छोटी लेंथ की चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे? मुझे निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ. निकालते हैं हम तीनों का एचसीएफ. सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारी. अब अगला कौन सा फैक्टर है विच इज कॉमन इन ऑल? विच प्राइम इज कॉमन इन ऑल? फाइव से डिवाइड करना है मुझे. अब कोई और कॉमन प्राइम दिख रहा है? नो. एफ इज गोइंग टू बी 2 × 5, दैट इज 10 सेंटीमीटर. अगर 10 सेंटीमीटर की मेरी टेप हुई तो इन तीनों में से कोई भी डिस्टेंस है ये मेजर करूंगी तो 56 टाइम्स में मेजर हो जाएगा, ये 24 और ये 35 टाइम्स में मेजर हो जाएगा. सो आंसर इन दिस केस इज 10 सेंटीमीटर. फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा. फोर्थ क्वेश्चन में आपको इन तीनों का अब क्या चाहिए? एलसीएम. तो अब हम आगे चल सकते हैं? चल सकते हैं ना? यस.
एक बार टू से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दो में कॉमन पड़ा है तो चलेगा, एलसीएम के लिए चलेगा। अगला फैक्टर फिर से टू आ गया, टू सेवन सॉरी टू से करेंगे तो 14, 6 और ये है 35। मैम टाइम इज ओवर। चलो ठीक है बेटा, अगली क्लास में आके करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके ओके जी, ओके बाय। बाय मैम।